फ्रेंड्स, हमारी अगली मेडली समर्पित है उस म्यूजिक डायरेक्टर के नाम जिनके हर गाने में उनका सिग्नेचर स्टाइल झलकता था। बंगाली फोक म्यूजिक और हिंदुस्तान की मिट्टी की खुशबू झलकती थी। बिल्कुल, और वो इतने बड़े परफेक्शनिस्ट थे कि कहा जाता है कि जूल थीफ के एक गाने के लिए उन्होंने तब तक रिकॉर्डिंग नहीं की थी जब तक सिक्किम से एक खास तरह का ड्रम नहीं आया। वाओ, आई मीन रियली, उनकी महानता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने हमें इंडिया के बेस्ट सिंगर्स हेमंत कुमार, किशोर कुमार, मन्ना डे, हमारी आशा ताई के साथ साथ कई यादगार गाने दिए। मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर आर डी बर्मन के पिता नन अदर देन द लेजेंडरी सचिन देव बर्मन। तेरे मेरे सपने अब एक रंग है, हो जहां भी ले जाए राहें हम संग हैं, हो तेरे मेरे सपने अब एक रंग है, हो लाख मना ले दुनिया साथ ना ये छूटेगा, आके मेरे हाथों में हाथ ना ये छूटेगा, लाख मना ले दुनिया साथ ना ये सपने अब एक रंग है, हो जहां भी ले जाए राहें हम संग हैं, हो तेरे मेरे सपने। दिल पुकारे आरे आरे आरे, दिल पुकारे आरे आरे आरे, अभी ना जा मेरे साथी, दिल पुकारे आरे आरे आरे, अभी ना जा मेरे साथी, दिल पुकारे आरे आरे आरे। बरसों बीते दिल पे काबू पाते, हम तो हारे तुम्हें कुछ समझाते, समझा के मैं तुमको लाखों अरमां, खो जाते हैं लब तक आते आते, हो पूछो ना कितनी बातें पड़ी हैं दिल में हमारे, दिल पुकारे आरे आरे आरे, अभी ना जा मेरे साथी, दिल पुकारे आरे आरे आरे, दिल पुकारे आरे आरे आरे। Well done, yeah, guys. Well done. Very well done. Thank you so much. आशा जी, आपसे पूछना चाहेंगे, आपको कैसा लगा? बहुत ही अच्छा लगा। बर्मंदा के सारे गाने याद आते ही बस मज़ा आ गया। क्या मेलेडी थी, क्या गीत थे, क्या लिरिक्स थे, वाह वाह। आशा मैम,
मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है जी। तीसरी मंजिल में आपका एक गाना था, आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा जी। तो मैं और रितिका ने, हम दोनों ने ये गाना गाया था और वो स्टेप को बड़ा कॉपी करने की कोशिश की लेकिन हुआ नहीं। तो अगर आप एक बार हमें वो करके दिखाएं, हम आपके पीछे बैकिंग वोकल्स देंगे। ओह माय गॉड, आशा जी, दैट वाज फैंटास्टिक। तुम्हारी ज़ुल्फ के साए में शाम कर लूंगा, तुम्हारी ज़ुल्फ के साए में शाम कर लूंगा, सफर एक उम्र का पल में तमाम कर लूंगा। सुना है कि आप मदन मोहन जी के बहुत बड़े फैन हैं, इज दैट करेक्ट? जी बेशक, वो मेरे फेवरेट कंपोजर है और उनकी दोनों से मैं बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड हूँ और बहुत इंस्पायर्ड भी हूँ। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि इंडियन आइडल के मंच पे आज 50s और 60s की जो पेशकश हो रही है और जो ट्रिब्यूट हो रहा है, उसका जो रिजल्ट है वो ये है कि ये गाने सबके सामने अच्छे से पेश करते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। सो थैंक यू इंडियन आइडल फॉर गिविंग देम सच अ गुड अपॉर्चुनिटी। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।